नमस्कार, मैं रियाज अहमद। मैं शादाब। मैं अजय वर्मा। हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज थर्ड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं। हमने नेत्रहीनों की मदद के लिए हमने थर्ड आई का आविष्कार किया है। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम थर्ड आई फॉर ब्लाइंड यूजिंग आर्डिनो नैनो एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये नेत्रहीनों की मदद के लिए तीसरी आँख का कार्य करता है। आज दुनिया में नेत्रहीनों की मदद के लिए साइंस व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मदद से हमने थर्ड आई बनाई है, जो अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से आसपास की बाधाओं का पता लगाती है व नेविगेशन में सहायता करती है, और किसी भी बाधा आने पर यह बजर के द्वारा आवाज़ उत्पन्न करती है व वाइब्रेशन करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है, जिसमें फर्स्ट में हमने आर्डुइनो नैनो विद केबल, अल्ट्रासोनिक सेंसर, बजर, जीरो पीसीबी, इसके नीचे वाइब्रेशन सेंसर लगा हुआ है, एज ए बैटरी, ये 9 वोल्ट की बैटरी का हमने इसमें यूज़ किया गया है। ये किस तरह से कार्य करता है ये हम आपको आगे बताएंगे। जब उपयोगकर्ता इस डिवाइस को कलाई पर बांधकर शुरू करता है तो ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों को इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर के माध्यम से प्रसारित करता है। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, यह अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है और यह रिसीवर है। यह अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है और आगे भेजता है। जब कोई प्रतिबाधा सामने आती है तो यही वेव वापस टकराकर इस रिसीवर के पास में आती है। यह रिसीवर इस आर्डिनो को कमांड देता है और सूचना देता है। यह आर्डिनो इसका एनालिसिस करके इसकी अगली कमांड इस बजर को देता है। यह बजर बीप के रूप में आवाज़ करता है और ये LED जलती है और इससे हमें पता लग जाता है, और इसके पीछे लगा हुआ है वाइब्रेशन, जिससे वाइब्रेशन भी होता है तो नेत्रहीन व्यक्ति को पता लग जाता है कि सामने कोई प्रतिबाधा है। हम इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि इस प्रकार कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे ब्लाइंड पर्सन आगे बढ़ता जाते हैं, जैसे कोई वस्तु इनके सामने आती है तो बजर बजने लगता है। हमें आशा है यह प्रोजेक्ट नेत्रहीनों के लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।